हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभा किचन। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आने वाली है और आज हम बप्पा के लिए मोदक बनाएंगे। आज हम बप्पा के लिए सूजी से मोदक बनाएंगे। इस मोदक को बनाने के लिए हम यहाँ पर किसी भी तरह के शुगर सिरप को यूज़ नहीं करेंगे। ये मोदक बहुत ही सॉफ्ट बनती है। इस मोदक को बनाना बहुत ही आसान है, झटपट में बन जाता है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं स्टफ सूजी मोदक। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। इस पैन में भी हम सबसे पहले सूजी को भून लेंगे। सूजी को हम घी के साथ भूनने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून घी डाल दिया है। यहाँ पर ये घी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और गर्म भी हो चुका है। गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पर बिल्कुल स्लो पर रखा है। अभी हम इसमें 1/2 कप सूजी को डालेंगे। सूजी आप यहाँ पर मोटा या बारीक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम इस सूजी को लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप सूजी को यूज़ किया है, तो इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस सूजी को भूनने के लिए करीब 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। सूजी को यहाँ पर अच्छी तरह से भूनना भी ज़रूरी है। अगर सूजी कच्चा रह जाएगा तो ये मुँह में चिपकने लगेगा। और जैसे जैसे सूजी भूनने लगेगी, आप देखेंगे इसमें एक अच्छा सा खुशबू भी आने लगेगा। यहाँ पर ये सूजी अभी अच्छी तरह से भून चुकी है। इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, तो सूजी का सारा कच्चापन भी यहाँ पर जा चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे दूध। दूध को मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है। यहाँ पर मैंने करीब 1.5 कप दूध को लिया है। जब भी आप सूजी में यहाँ पर दूध डालेंगे, तो दूध को अच्छी तरह से आपको गर्म करके ही डालना है। अगर आपने यहाँ पर ठंडा दूध को डाल दिया, तो इसमें सूजी में लम्स पड़ जाएंगे। जिस कप से मैंने यहाँ पर सूजी को लिया था, उसी कप से मैंने यहाँ पर 1.5 कप दूध लिया है। दूध को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है और इसे लगातार चलाते रहना है। और अगर इसमें थोड़ी सी भी लम्स आ जाती है, तो स्पून से इसे चलाते हुए मैश कर लीजिएगा। थोड़ी देर इसे इसी तरह से चलाने के बाद आप देखेंगे दूध यहाँ पर सूजी में एब्जॉर्ब होने लगा है और ये मिक्सचर अभी धीरे धीरे थिक भी होने लगा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मिक्सचर में बिल्कुल लम्स भी नहीं बना है। थोड़ी देर इसे इसी तरह से चलाने के बाद दूध यहाँ पर सूजी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। और अभी स्टेज में हम इसमें 1/2 कप शक्कर को डालेंगे। शक्कर को इसमें डालने के बाद इन सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो पर रखकर आपको यहाँ पर सारे प्रोसेस को करना है। शक्कर डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिक्सचर अभी थोड़ा सा पतला हो गया है। तो इस मिक्सचर को अभी हम थोड़ी देर और पकाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इस मिक्सचर को मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह से चलाया है। तो आप देख सकते हैं अभी ये मिक्सचर हल्का सा डो फॉर्म में आ गया है। आप इस मिक्सचर में इसी वक्त थोड़ा सा इलायची को डालकर इस मिक्सचर को थोड़ी देर और चलाकर इस मिक्सचर को डो फॉर्म में आने के बाद इसी से आप मोदक बना सकते हैं। और अगर आप इसमें एक अच्छा सा कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद के किसी भी फूड कलर को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस मोदक में एक अच्छा सा कलर देने के लिए 2 टीस्पून मिल्क लिया है और उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इस मिक्सचर को मैंने यहाँ पर अभी सूजी में डाल दिया है। सूजी में डालने के बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास केसर है, तो आप यहाँ पर केसर के दूध को भी डाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर मेरी तरह हल्दी को डाल रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पर हल्दी को डाला है। हल्दी डालने से टेस्ट में या स्मेल में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर इसमें इलायची के पाउडर को भी डाल दिया है। इलायची के पाउडर को भी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये मिक्सचर थोड़ा सा अभी ड्राई हो चुका है। तो इस मिक्सचर में हम अभी 1 टीस्पून घी डालेंगे। घी डालने के बाद हमें इसे थोड़ी देर और इसे इसी तरह से चलाते हुए इसे पकाना है। घी डाल के थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं ये मिक्सचर अभी काफ़ी थिक हो चुका है और ये बिल्कुल डो फॉर्म में भी आ चुका है। गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पर अभी बंद कर दिया है। इस मिक्सचर को अभी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इस मिक्सचर को इस तरह से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे, जिससे कि ये मिक्सचर जल्दी से ठंडा हो जाए। आज हम यहाँ पर स्टफिंग मोदक बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर के स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें 5 से 6 काजू और 5 से 6 बादाम और 5 से 6 पिस्ता को लिया है। आप इनके साथ रेजन को भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन सारे चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर इन सारे ड्राई फ्रूट्स को घी के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक चलाने के बाद इसमें एक अच्छा सा अरोमा आने लगा है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकाल लिया है और ये ड्राई फ्रूट्स भी पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो इसमें अभी डालेंगे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर और उसके साथ हम डालेंगे सूजी के इस मिक्सचर को।
मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून सूजी के मिक्सर को लिया है। अभी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सूजी के मिक्सर को डालने से ड्राई फ्रूट और शुगर में एक अच्छा सा बाइंडिंग आ जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। ये स्टफिंग अभी बिल्कुल रेडी है, तो अभी हम इस स्टफिंग को यूज़ करके सूजी मोदक बनाएंगे। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के मोदक मोल्ड को यूज़ किया है। आप मार्केट में मिलने वाले सिंगल मोल्ड को भी यूज़ करके इस मोदक को बना सकते हैं। मोदक बनने के बाद दिखने में और भी अच्छा लगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर मोदक के बेस पर इस तरह से पिस्ता को लगा लिया है और इस मोल्ड के दोनों तरफ हम अच्छी तरह से मिक्सर को भर लेंगे। मोल्ड के एक तरफ मैंने यहाँ पर मिक्सर को भर लिया है। अभी इसी तरह से हम बाकी के मोल्ड्स में भी इसी तरह से मिक्सर को भर लेंगे। मिक्सर को मैंने यहाँ पर मोल्ड के दोनों तरफ भर लिया है और आप देख सकते हैं, और मोल्ड के सेंटर में मैंने थोड़े से मिक्सर को डीप रखा है ताकि हम यहाँ पर फिलिंग्स को भर सकें। तो इस सेंटर में हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से फिलिंग को भी भर देंगे। मोल्ड के एक तरफ ही सेंटर में अच्छी तरह से हमें यहाँ पर फिलिंग्स को भर लेना है। दोनों तरफ हमें यहाँ पर फिलिंग्स को नहीं भरना है, वरना हम यहाँ पर इस मोल्ड को बंद नहीं कर सकेंगे। सूजी के मिक्सर और फिलिंग्स को मैंने यहाँ पर मोल्ड में भी भर दिया है, तो अभी हम इस मोल्ड को अच्छी तरह से बंद कर देंगे। मोल्ड के बॉटम को भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये अनइवन सा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा और मिक्सर को भरकर इसे लेवल कर लेंगे और इसमें से जितना एक्स्ट्रा निकलेगा उसे हम हटा देंगे और इसे साइड से भी क्लीन कर देंगे। एक्स्ट्रा मिक्सर को निकाल देने से मोदक का फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर मोदक के बॉटम को भी लेवल कर लिया है। अब इस मोल्ड को हम ओपन कर देते हैं और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट मोदक बनकर आई है। हमने जो पिस्ता को मोदक के मोल्ड के बेस पर लगाया था वो अच्छी तरह से मोदक के ऊपर लग चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ये मोदक सुंदर लग रहे हैं। अभी मैं बाकी के मोदक को भी इसी तरह से बनाकर रेडी कर लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारे मोदक को इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। ये मोदक बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पर आप सब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और सूजी से मोदक बनाने की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।